हेलो फ्रेंड्स, हम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग स्केचअप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और स्केचअप स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक जाएंगे एक एक वीडियो बना के। ओके, सो स्केचअप जैसे आप स्टार्ट करते हो, सी स्केचअप प्रो 2017। ओके, जस्ट क्लिक हियर स्टार्ट स्केचअप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपके पास सेटअप आएगा, इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाता है स्केचअप। फ्रेंड्स, इफ यू डोंट हैव अ सॉफ्टवेयर प्लीज डू कमेंट एंड देन मैं आपके लिए स्केचअप का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल करा दूंगा। और अगर आप इसको पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू आज से ही आप ज्वाइन करिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि सर हमने ये प्रैक्टिस किया है, सो दैट कि हमें पता चलता रहे कि आपको हमें सिखाना क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या हमें कवर करना है। वैसे हमारा सिलेबस है बट हम स्पेसिफिक, अगर आपको किसी कंपनी में है और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग कम्प्लीट कर देंगे। ओके, सो नाउ देखिए ये स्केचअप हमारे स्टार्ट हो गया इस तरीके से। ये स्केचअप का सरफेस है, ठीक है। माउस की मिडिल बटन जिसको पैन बोलते हैं, पैन पे क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको किसी कमांड को क्लोज करना है, जस्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे तो ये कमांड खत्म हो जाएगी। ओके, जैसा कि मैंने स्केचअप के अंदर वीडियो भी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि स्केचअप में वीडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। बट अभी के लिए हम लोग को क्या देखना है, इस तरीके से स्केचअप का सरफेस, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कमांड्स को सीखना। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्लास, सो आपको पहले जानना चाहिए दिस इज योर सेलेक्ट टूल, मीन्स कुछ भी सेलेक्ट करना है। सपोज दिस मैन यू वांट टू सेलेक्ट, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या है, ये इरेजर। इफ यू क्लिक इरेजर तो आपको कुछ भी अगर आपने बनाया उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो स्केच इरेजर हो जाएगा। अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। दिस इज लाइन एंड फ्री हैंड, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग बाई लाइन जस्ट क्लिक हियर एंड देन क्लिक लाइक दैट। अब देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी आपको ड्रॉ करना है आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो आर्क 2 point एंड 3 point एंड 5। इफ यू वॉन्ट टू यूज आर्क, आर्क यूज करिए और इस तरह जितना बड़ा आपको बनाना है। और इसके बाद अगर आप लाइन से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये प्रॉपर आपको एक शेप मिल जाएगा यहाँ से। ओके, सो और इसके बाद ऐसे ही हम लोग इसमें से 2 point लेंगे। 2 point अगर लिया तो हमने यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इस तरह जितना आपको इसका रेडियस देना उतना रेडियस आप इसको अवेलेबल करा इस से बना सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू क्लोज तो आपका ये सॉलिड शेप में बदल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर पाई। इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द पाई यू कैन जस्ट just draw like that and then how much distance you want to, like उतनी जितना distance आपको चलना है आप उतने distance पे यहाँ पे put करते रहिए, आपको यहाँ पे draw करना है। ओके, इतना चलेगा तो ये close group पे रहेगा, so आपको इसमें print करना। अगर आपको problem होती है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं जिससे आपको surface थोड़े से इसलिए हम लोग चला सके surface को। and now next is this one and this is rectangle and this is rotate rectangle. We'll start from rectangle only. And shortcut keys for rectangle is R. So just start from here. And suppose मुझे इसको 3D में बनाना है, 3D में इसको convert करना है, okay? So for that just click here, देखिए C here, push and pull, two options are there. If you click like that, then this is put. And if you want to go down, you can just इस तरीके से हम लोग push और pull करके किसी भी object को 3D में convert कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे कुछ गैप करना है या कुछ मटेरियल निकालना है बाहर की ओर, तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड देन देयर इज अ सर्किल, जस्ट क्लिक सर्किल फ्रॉम हियर एंड जस्ट आप सर्किल का सर्किल बताइए। उसके बाद यहाँ पे उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एक्चुअली स्केचअप के अंदर, इसको लीजिए और इसको लेने के बाद इसके हिसाब जितना आप टूलना है जितना आप इसको पीछे करना चाहें आप कर सकते हैं, देखेंगे आपको। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्केचअप में पुश और पुल कमांड को यूज करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से ऑफसेट कमांड को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से मूव कमांड को यूज करते हैं एंड किस तरह से रोटेट और स्केल। प्लीज नीचे कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्या मैं इस पे स्केचअप पे सारे वीडियोस अपलोड करूं। अगर हाँ तो प्लीज टू कमेंट, देन डेफिनेटली आई विल अपलोड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग आगे की कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।